लाइव है तस्वीरें और एक मामला सामने आता है कि पूनम नाम की एक लड़की जो कि सीवन की रहने वाली थी, एक लड़का 8 से 9 महीने पहले बेलाफ उसका फुसला कर जो है लव मैरिज करता है और परिवार के सदस्यों से दूर कर देता है। उसके बाद लगातार क्या तो वो लड़की बीमार थी या फिर उसको मारा गया है। आज जो है पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर उसकी जो डेड बॉडी है उसको अपने कब्जे में ले लिया गया है और अभी लड़की की जो डेड बॉडी है वो पोस्टमार्टम हाउस में रखी गई है। पिता का रो रोकर बुरा हाल है। पिता बैठा है कि पुलिस उसका जो इंसाफ दिलवाए कि उसकी बेटी को जो है मारा गया है। और क्या हालात रहे जब उस समय आप लोग वहाँ थे, कैसे संपर्क हुआ उसका लड़की क्या जी? हाँ हम ये आए जी, मेरे को 8 बजे फ़ोन गया थे, जो दिवाली का सीज़न था लेकिन हमारा हलवाई काम है जी मेरा, तो मैं वहाँ मतलब पहुँच नहीं पाया टाइम पे। हम पहुँचे थे, हम जाके लड़की को घर लाया गया जी। कभी कहते करनाल हॉस्पिटल में थी कहीं से थी, कभी कहते टीवी थी जी, लेकिन उसको लड़के को कोई नहीं था जी। बीए करी थी, बहुत अच्छी तरह पढ़ी थी जी। और अब जिस टाइम देख रहे नहीं आप भी, लड़की सुबह मरी है, लड़की सुबह नहीं मरी, लड़की कल की मरी हुई है, या रात को मारी गई या कल दिन में मारी गई है। ये तो एक मतलब एक मेडिकल कराने के लिए चक्कर कुछ झूठ बोल रहे जी, करनाल गए थे, वहाँ गए थे, वहाँ गए थे, ऐसा कुछ नहीं। लड़के का संपर्क कैसे हुआ था? लड़के का संपर्क मैंने लड़की ब्याह रखी है जी नोच गाँव के अंदर, लड़की ब्याह रखी है जी मैंने वहाँ मतलब नोच गाँव के अंदर, नोच गाँव के अंदर लड़की ब्याही जी वहाँ, मतलब इनका मतलब मामा पप्पा का रिश्ता था मतलब बुआ का, वहाँ लड़का जा रहा था, ऐसे हुआ जी इनका, और कुछ नहीं था जी। वहाँ से संपर्क बीच में हुआ लड़की से? नहीं जी मेरा संपर्क नहीं हुआ, मैं झूठ बोलता जी, मैं किसी प्रकार मेरी लड़की से सुबह कितने बजे पता लगा? मेरे को मेरी लड़की बड़ी लड़की ने सवेरे 8 बजे फोन किया था जी, पापा ऐसे ऐसे। कभी ऐसा भी बताया बीमार रहती थी? नहीं उसने कभी ऐसा कभी कोई बातें रखी जी भी बीमार है लड़की। लड़के वाले कहते हैं उनके पास मतलब डॉक्यूमेंट जी करीब पता क्या वक्त किसी प्रकार का कुछ ना तो बीमार थी लड़की ना कुछ था जी। लड़की प्लस टू और बहुत समझदार थी, बच्चों तक के स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी, बच्चों को मैडम उसको छोड़ के जी उनको पढ़ाती थी, उनको पढ़ाती थी, इतना माइंड के हद से ज्यादा। क्या लगता है किस तरीके से मारा गया? मेरे को ये लग रहा है जैसे मतलब यहाँ निशान है जिसके, आपने देखे हैं? हाँ जी मेरे घर वाले देखे हैं। अच्छा। हाँ जी देखे हैं, अंदर में गए हैं, देखने के बाद निशान है, कुल मिला के उसके पेट पे भी निशान है जी। अच्छा। लड़की को पता नहीं मारा जी किस तरह की था, मारा ये नहीं जानता जी मैं, लड़की मारी गई है जी। लड़की आज मैं लिख के देता हूँ कि मेरी लड़की सुबह नहीं मरी। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल ये पक्का, तो मैं फाइनल करता हूँ मैं सुबह मेरी लड़की नहीं मरी। हाँ जी वो कैसे मेरी लड़की सुबह नहीं मरी है। आप डेड बॉडी को देख करके आए हो? हाँ देख कर आई हूं। तो क्या कहाँ निशान थे? हैं निशान उरा को भी है, कान पीछे को भी है। आपको क्या लगता है मारी हुई है लड़की? अच्छा। मारी हुई है, मरी हुई है लड़की, सुखी बड़ी लड़की। क्या है, क्या है पुलिस प्रशासन से क्या अपील आप लोगों की? मैं तो यही चाहता हूँ जी प्रशासन से भी पूरी मेरा उम्र इंसाफ दिया दिलाया जाए बस, और गरीब आदमी मेरे को इंसाफ, अगर जैसे रोज होते रहे तो क्या करेंगे जी, मेरे को तो इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं है जी। कितनी पढ़ी थी पूनम जी? बीए कर रही थी। ये नवंबर में 11। माता पिता लगातार जो है एक गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से कि हमें इंसाफ मिले, और आज ये हालात है लव मैरिज के कि लड़के जो है लड़कियों को बहका करके और बहका फुसला करके अपने साथ ले आते हैं और उसके बाद मिलती है मौत। लाइव तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा असन दलचल हरियाणा के साथ। दीपक है जी। दीपक क्या क्या पूरी बात है? पूरी बात तो 6 महीने हो गए बीमार हो रही थी जी। सारे आपने लव मैरिज करी थी क्या? हाँ लव मैरिज करी थी। तो कितने दिन पहले की बात है ये? ये लगभग 9-10 महीने हो गए। अच्छा उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कोई बच्चा है? नहीं बच्चा नहीं है। अच्छा बीमार कितने दिन के बाद हुई? बीमार तो 4-5 महीने बाद ही। अच्छा क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम में टीबी आ गई थी जी। अच्छा थोड़ी कमजोरी महसूस हो गई थी, चक्कर वगैरह आने लग गए, उसमें फिर टेस्ट कराए एक्सरे करवाए उसमें टीबी आई थी। डॉक्टर साहब साफ सीधी बात, कहाँ इलाज करवाया? पहले यहाँ पर करवाया गोरमिट में यही, इसके बाद फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाए करनाल, करनाल के बाद अब ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने लग गई थी, बीच में नॉर्मल होगी ठीक हो गया था, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत फर्क पड़ा था, उसके बाद फिर कोई दिक्कत होगी। लड़की के परिवार वालों को संपर्क किया? नहीं जी। रात कब हुई पूनम की? आज सुबह 7 बजे। अच्छा नहीं आपने संपर्क करने की कोशिश नहीं करी, कोई सारा मिल जाए आपको? बात बहुत करी थी, पहले किसी नहीं थी, किसी से कोई बात नहीं करी। तो कहाँ कागज है वो दिखाना, तो कहाँ कहाँ गए? करनाल के हैं। एक रिपोर्ट संद की है, ठीक है ये रिपोर्ट संद की है जी यहीं की।
ये करना ये टेस्ट है। तो किस जैसे उसकी मौत हुई आपने किसको पता दिया? मेरे पास में मेरे जीजा ही था जी। अच्छा, मेरे पास मेरे जीजा थे छोटे, मेरे जीजा ने बताया पहले। तो उसकी बड़ी बहन को भी पता दिया था क्या? बाकी सब तो बड़े भाई के इसका छोटा बड़ा भाई उसके जरिए दिया, मेरे बड़े भाई के जरिए सब ने पता लग गया, बता दिया था कि मैं गुजर गया। हां आ जाओ। तो अभी आपकी तरफ से पुलिस को सूचित किया? पुलिस को सूचित नहीं, पुलिस को बताया जिस मामले में? हमने नहीं बताया, नहीं थी हमने। अस्पताल से ब्रोक डेड का रुका आया है कि उसमें पूनम नाम की लड़की जो यहाँ लव मैरिज कर रखी थी जिसने दीपक के साथ, उसकी आज मौत हो गई है। तो उसके वारिस आए हैं, उसके वारिस ये इन पे शक जाहिर कर रहे हैं कि इन्होंने इसको मारा है, मारा है। और वो बता रहे हैं कि ये एडमिट थी और बीमारी के कारण मरी है, टीबी थी इसको। तो उसकी बात की जांच हो रही है, जैसे बयान देंगे तो कार्रवाई। डेड बॉडी जब लेकर के आए कोई बता रहे गले के निशान है कुछ तरह से? नहीं, ऐसा तो डॉक्टर ही बताएंगे, हमारे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं। जय भगवान जी। लड़की के पिता है पूनम? नाम है लड़की के पिता जी। अच्छा, तो क्या क्या बात हुई थी? क्या पता जी, एक मतलब के जी नवंबर में 11 तारीख को इन्हें लव मैरिज की थी। अच्छा। मतलब घर से गाड़ कर लाए थे जी, लड़का लाया था, 5-7 आदमी ने लेकर गया था। मतलब कि मैं काम पे था, मेरा हलवाई का काम है। तो जी वहाँ से निकाल लाए, कभी कहीं फिरा भागा, कहीं कहीं फिरा, गरीब आदमी था, लेकिन कोई सिस्टम नहीं बैठ पाया जी। अब कम से कम ये लड़की जो गुजरी है, अब ये कह रहे हैं जी टीवी है ये वो, ऐसा कुछ नहीं था। मेरी लड़की को बीए कर रही थी, अच्छी पढ़ रही, अच्छे नंबर, 99% नंबर कौन लाता है सर जी? गरीब आदमी पढ़ाता रहा, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने लड़की को 100% मारा। अगर लड़की को अगर आप अब जाके देखो, उसकी फ़ोटो ले लो, कैमरा को कुछ भी कर लो, लड़की अब नहीं मरी। अब जैसे 8 बजे कहते हैं मरी है, लड़की पहले की मरी हुई है, लड़की अब नहीं मरी। इस दौरान आपका संपर्क रहा कुछ? नहीं जी, मेरा संपर्क नहीं रहा। मेरी जो बड़ी लड़की ब्याह रखी है, इससे बड़ी वो नोच गांव के अंदर ब्याह रखी है जी, उसके साथ संपर्क होता था। कभी उसने कभी बीमार का जिक्र नहीं है, कोई बात नहीं किया। अब जैसे अब मान लो स्टाफ ही नहीं कह दिया भी, उसको उन्होंने कहा भी इसको टीवी थी जी, टीवी किसी इसको टीवी अगर जाकर चेक करा सकते हो, पोस्टमार्टम कराओ, कहीं भेजो, कुछ करो। अच्छा, कृपया मुझे इंसाफ दीजिए। तो वो कह रहे हैं कि भाई पहले इलाज चल रहा था लगातार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लड़की की माता है? मैं बुआ हूँ जी लड़की की। हाँ जी, अगर लड़की को पहले कोई पुरानी बीमारी है जी, तो उसकी ना कोई मतलब रिपोर्ट दिखाएं हमें कि भी अगर लड़की को पुरानी बीमारी थी तो हमें बताया क्यों नहीं गया? 7 महीने पहले 8 महीने पहले घर से रात को सोते हुए माँ बाप को दवाई, नींद की दवाई खिलाई, लड़के ने दवाई पहुँचाई लड़की को, पहले उसका दिमाग घुमाया गया, फिर उसके बाद दवाई पहुँचाई गई, फिर पूरी फैमिली को दवाई खिलाई गई जी नींद की। पूरे जो इतनी बातें हुई है जी, इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें जी सबसे पहले तो जो बिल्कुल मास्टरमाइंड है, जिसकी गाड़ी थी, बाइक थी और जिसके बंदे थे जी गुंडागर्दी में, वो हरिपाल है जी, जो इसके ताऊ का लड़का है। कहाँ का ये? ये जी इन्हीं के दीपक के ताऊ का लड़का है जी। अच्छा। हाँ जी, और ये मास्टरमाइंड यूं था जी, क्योंकि इसने ना लड़की को रात को निकलवाया, पूरी डिटेल निकलवाई पहले तो जी, और पूरी डिटेल निकलवाने के बाद जब इसको पता चला कि भी लड़की का पिता घर पे नहीं है उस टाइम, और लड़की की माता है, भाई है और बाप भी है, इनको नींद की दवाई दिलाई गई और घर से निकाल लिया गया। और फिर सर जब इसको मतलब लड़की को निकाल लिया, उनको पता था कि सवेरे पुलिस भी पकड़ेगी, सारा कुछ होगा, तो लड़की को जी कंट्री इससे मतलब दूसरी स्टेट में लड़की को भेज दिया जी इसने, और वहाँ से वहाँ शादी करवाई और वहाँ से वापस बुलाया। जब बुलाया जी, हमारे सीवन का जो थाना है वहाँ के SHO की दरखास्त दी गई। अच्छा। और महिला, मैं हरियाणा महिला मोर्चा में हूँ जी, महिला मंडल में अनीता चौधरी जी के साथ जी। तो इनको पता था कि ये थोड़ा पॉलिटिक्स में भी हैं। अच्छा। तो इस वजह से जी इन्होंने पहले ही वो पूरा प्रबंध कर दिया सीवन के SHO की और महिला थाने की, और जो भी उधर के SP DSP है जी, आपको क्या लगता है, उनकी सबकी दरखास्त दी गई जी। हाँ जी, 8 महीने जी लड़की को, तो थोड़े दिन पहले जी हमें पता चला था, वो जो सीमा रानी है हमारी खुद की बड़ी लड़की है, उससे पता चला था कि भाई ननद भी इस शादी के खिलाफ है, ननदोइये भी इसके खिलाफ है, और ससुर भी यूं कहता है कि मेरे को तो इसको तो रोटी नहीं बनानी आती, मेरे को रोटी रस दे देती है, भूखा मरता हूँ, लड़का क्या ब्याह ले आया। तो हम जी यहाँ आ नहीं सकते थे क्योंकि हमें नाराजगी थी, एक छोटे से परिवार से बिलोंग करते हैं जी, इज्जत वाले थे, तो हमने इस नाराजगी में लड़की के साथ आना जाना नहीं करा।
तो इसका फायदा उठा के जी लड़की को मारा गया और लड़की अभी नहीं मरी सवेरे। और ना जी अगर लड़की बीमार थी कल को, लड़की कल को शाम को या कल दोपहर को या कल मरी हुई है जी, हाँ जी लड़की आज नहीं मरी, कोई भी जा कहीं भी कुछ भी करे लड़की का चेहरा देखो कुछ है जी, मैं 500 फोटो लड़की की बॉडी की फोटो ली जाए जी और उसको चेक किया जाए, लड़की की बॉडी की फोटो ली जाए जी, देखा जाए उसको लड़की वो अब नहीं मरी जी। क्या क्या नाम है जी? राणा। अच्छा तो क्या हुआ जी? तो मारी हुई है मेरे तो चोरी जी, मार रखी है, जा रही थी लेके भगा के। अच्छा मार रखी है मेरे तो चोरी जमीन आज करके। तो आप उसके खिलाफ थे उस टाइम में? हाँ जब तो थे सारे खिलाफ, हम तो रिश्तेदार भी, हाँ सारे हमारे रिश्तेदार हम पड़ी क्योंकि जी हमें पहले ही उन्होंने मतलब हमारी इज्जत पे दाग लगाया जी बहुत तगड़ा। उसके बाद फिर भी मान लो ये आदमी कह रहे हैं नहीं जी, उसको टीवी थी, आप चेक करा तक तो जितना भी खर्चा मैं गरीब आदमी कुछ भी करूंगा, लेकिन अगर कोई आदमी उसको कहते ना टीवी थी या कोई बीमारी थी, मतलब कोई बीमारी नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी उस लड़की को, लड़की आज की नहीं मरी हुई है। एक बात ये है जी, लड़की जात बिरादरी में गई थी, कोई दिक्कत नहीं थी, रिश्तेदारी में गई थी, कोई बड़ा इशू नहीं था शादी करना, लेकिन लड़का गैंगवारों के साथ रहता है, नशेड़ियों के साथ रहता है, हर नशा करता है लड़का। आप इंस्टाग्राम पे उसकी वीडियो देख सकते हैं जी, लड़का ना गन के साथ और मतलब फुकरा फंती के साथ मतलब वीडियो डालता है जी। आप इंस्टाग्राम पे उसकी आईडी खोलो, सबूत की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी जी, आप उनसे बात को समझाने की कोशिश की गई थी। हाँ जी उसको ना थोड़े दिनों में जी, एक महीना पहले लड़की अपनी बहन और जीजा के घर गई थी जी, और वहाँ पे जाके जी मतलब जैसे इन्होंने वहीं पे जो इनकी जो थोड़ी बातचीत हुई, वो बातचीत होने के बाद जी बड़ी लड़की ने हमें बताया कि ये उससे बात करती है दीपक से, तो इन्होंने जी उसका फोन ले लिया। फोन लेने के बाद कैसे, जी कैसे संपर्क हुआ था? ये जी अपनी बहन के घर पे रहने गई थी, पूनम रानी थी जो, सीमा रानी के घर रहने गई थी नोच में, हाँ जी वहाँ ये लड़का अपने वहाँ गया हुआ था जी, बुआ के घर जाए करे था क्योंकि जी ये मामा गुप्पी के है। अच्छा हाँ जी, जो ये दीपक है ये तेजा का मामा का लड़का है। हाँ जी, तो अभी आपकी तरफ से प्रशासन को क्या कहेंगे जी? हमारी तो मांग है जी कि भी हमें इंसाफ मिले, लड़की किसी भी, क्योंकि आजकल पढ़े लिखे लोग हैं जी, सबको पता है कि अगर फांसी देके मारेंगे, जहर देके मारेंगे तो फंस जाएंगे, कुछ ऐसा तो लगता कुछ भी तो, तरीका हो कुछ सकता होता है, तो लोग यहाँ से भाग जाते, वो तो है वही नहीं जी, ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है जी, भागने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारे पास पहले जेल काट के आ रहा है जी, पहले जेल काट के आ रहा है नशे पत्ते में जी, नशे पत्ते में, नशे पत्ते में पहले भी जेल में रह के आया अंदर। और जी लड़की कब से मरी हुई या कब से नहीं या बीमार है तो माँ बाप को कोई पता नहीं दिया गया जी, मेन बात ये भी है, मेन बात तो यही हमारी। वो तो ये कह रहे हैं कि बीमार थी ये, बीमार थी जी, ये कहेंगे जी बीमार एकदम थोड़ी करा, कभी बंदा फोन तो करा बीमार थी वह एक दिन, मतलब बीमारों का कोई मरी नहीं, जाकर देखो उसका इतना खैर खैर 6 महीने से बीमार है, तो 6 महीने से फोन करना आप इसमें फोन करना तो बड़ा है, फोन तो करना चाहिए संपर्क होता था उससे पहले नहीं जी, 6 महीने से आपका कोई संपर्क नहीं था, कोई नहीं था जी, आज तक भी नहीं, अब तक भी फोन नहीं आया हमारे पास, आप कोई संपर्क कैसे करते जब आपका बोल चाल था इनके साथ? जो वो लड़की ब्यारा की जो आप तो बताया तो है, वो खबर दे थोड़ी थोड़ी बहुत खबर दे, जितना परिवार है इनका भी, कभी बताया बीमार थी नहीं, उसने कभी नहीं बताया, कभी नहीं आया कि बीमार है या कुछ भी है, अब एक टाइम टीवी कैसे बता दी डॉक्टरों ने एकदम से ही, बीमार को नहीं थी, हमारे यहाँ आदमियों की तरह चलती थी वो, उसमें इतना गुरूर इतना घमंड था उस लड़की के अंदर, कितनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी, अगर बीमार होती ना इतनी जल्दी, हाँ इतनी जल्दी बीमारी का वो नहीं करा, अब तो उस लड़की में कुछ भी नहीं है, करंट पड़ा है वो, हार मानने वाली लड़की नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन जो आज इन्होंने इसकी हालत कर रखी है, जिस हिसाब से हालत हो रही है 3-4 दिन तक इस तरह लगा, इसमें जान है ही नहीं, क्या मांग है जी हम तो अभी न्याय चाहिए जी हमको, तो लड़की चाहे लड़की मारी है या ना मारी है, मैं तो सिर्फ सबूत जो मेन है ना भी जो सच्चाई है वो करो, पुलिस में शिकायत की आपने? हाँ जी कर रखी है जी, हमने दरखास्त दे, हमें तो न्याय चाहिए, लड़की भी अगर हम तो कोई मारी है जी ठीक है ना, लेकिन हमें तो इंसाफ चाहिए, सुनीता जी मैं उसकी बुआ पूनम की, नाम कमलेश, हमें इंसाफ चाहिए जी बिल्कुल, पुलिस चाची और डॉक्टर जी, क्या नाम? अनीता। लेकर गया जी इसी बात को नहीं लेकर गया ठीक नहीं जी, रिश्तेदार थी जी, हमें जितना माफ बनिया हमने कर। नाम बताएं जी? मेरा नाम संजीव कुमार है जी। दीपक के क्या लगते हो? दीपक मेरा साला है जी,
हाँ जी, तो मैं नहीं मना लुकोया, यूं खुद जाहिर था आजकल यूं रहा, ई पूछ लियो जिसने, यूं खुद जाहिर था, हमने कोई पता चले एक हफ्ता बाद पता चलिया था जी, हमने जब ये बीमार हो मैं आकर दुआई दुआ के गया था जी, उड़ा था जी, किसी तक पूछ लिया जी पड़ोस में, तो उसके बाद ही मैंने कहा तो सरकारी में ले जा, तो उड़ा लेकर आया था जी, यहाँ दिखवाई, फिर उड़ा ठीक नहीं हुई, फिर मैं उसके बाद अपना घर लेकर उसकी करनाल लेकर गया, इसी साथ में लेकर, तो ठीक हो जाए, तबीयत में सुधार आ गया था, डॉक्टर बोले टीवी नहीं है, तो रात ने इसने एक अंडा खाया और नारियल पानी पिया, ठीक ठाक सोई, मैं बाहर था बरामदे थे, ये उसके पास में था, सुबह आया मैं 5 बजे देख के गया, वो ठीक ठाक थी, सो रही थी, फिर ये भी सो रहा था, मैंने आने के बाद बैठ गया, मैं चाय वाला आया, मैं कहा ये चाय पी लेंगे, उठ लेंगे, मैं चाय नहीं पीता सुबह, तो फिर ये आके बोला बाहर अगजी जा एक बार आई अंदर, तो मैंने जाके देखा उसके अंदर कुछ नहीं था। एक बात का मेरे को जवाब चाहिए, जब ये इसका जिज्जा है, जब इसको इलाज के लेके जा रहा है, तो ये नहीं फोन कर सकता था हमारे पास? देखो हमारे पास कोई नंबर नहीं है जिनका नंबर नहीं सर, बाद में नंबर कहाँ से आया सर? फिर नहीं हमने नहीं, नहीं किया, बाद में कहाँ से सर? करने की कोशिश तो करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, देखो ये आपस में बात नहीं कर रहे थे, ना ये कर रहे थे ना वो कर रहे थे, इसकी बहन से बात होए कर दी, जो इसकी बहन है बड़ी, तो उसने बाद में संपर्क तोड़ दिया था, बोली अगर मैं नहीं तेरे गला बात कर दी, तो ओडा अच्छे तक ख्याल नहीं रख दी, नो नहीं कर दी, जो बात थी जी वहाँ जाए कर दी, हमने पता किसके माध्यम से जाए कर दी, सुबह जी मर लो तो 8:30 बजे फोन करे जी। अब ये कह रहे हैं कि टीवी थी और बीमारी चल रही थी लंबी, पहले तो कोई बीमारी नहीं थी सर जी, पहले तो कोई बीमारी नहीं थी सर जी, अब मेरी बात सुन लो, अब घर आएंगे तो हम भी सामेंगे अपनी गुड़िया, आपको क्या लगता है? मारी गई जी हमारी गुड़िया तो जी, आपने कोई ऐसा देखा है कुछ? हाँ जी हमने गले पे निशान देखे, लाल निशान है जी दोनों गले पे। कैसे मारी जी? नहीं मौके पर पुलिस थी अंदर जी, पोस्टमार्टम और उसमें दिखाया जी हम तो कक्ष में जी। कौन कौन गए थे आप देखने के लिए? मैं गया जी, मेरी मम्मी गई है, मेरे पापा गया था जी, और मेरी सिस्टर गई है। आप कैसे मारी है? गला घोट के मारी गई जी, क्योंकि तो बीमार थी। बीमार नहीं थी जी, मारे लो तो बीमार नहीं थी जी, नहीं नहीं जी बीमार होती जी तो मर लो, सबूत तो देना था जी, मर तभी बीमार, अपनी आके गुड़िया ने देख लो। लव मैरिज कितने दिन पहले की थी? सीवन की। अच्छा, सीवन से लड़की थी और इस लड़के ने लव मैरिज करके बका के यहाँ ले आया था। लड़के का नाम? दीपक है जी लड़के। अच्छा, का नाम कब ले गया था? 8 महीने हो गए जिसको। 8 महीने हो चुके। हाँ जी, नोच लड़की बैरखी है बड़ी। अच्छा। उसके मामे का लड़का था जो बड़ा जमाई था ना, उसके मामे का लड़का था जी, और उसने ना जैसे बगा के वहाँ 2 दिन रहने चली गई, शादी नहीं नहीं हुई थी बड़ी लड़की की, तो 2-4 दिन रहने चली गई वहाँ, बगा के वहाँ से उसको बचा चू के अपना ले गया उसको, नशे करे जी, नशे करके। आपकी क्या लगती है? भतीजी है जी मेरी, सारे थाने बयान लिखवाने गए। हाँ जी, लगा कैसे कैसे मरे जी? उन्होंने कोई फोन नहीं किया, 8 महीनों के हमारे बीच में कोई फोन नहीं आया। आज जो लड़की हो दूसरे उसमें बैर किया ना, उन्होंने फोन करे अभी आपकी भी वो लड़की पूरी हो गई है। अच्छा। जो बहन ने, जो बड़ी बहन ने छोटी बहन के बारे में फोन किया भी, अपनी बहन तो पूरी हो गई है, इसके पास फोन किया। कहाँ रहती थी लड़की? है संत रहती थी, जो संत बैर किया दादा खेड़ा के पास है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बंसुआ जी, दादी हूँ। अच्छा। हाँ जी, तो कितने महीने हो गए थे जब लड़का लेकर गया था? 8-9 महीने हो गए जी गए ना। अच्छा। हाँ जी, लेकर आए तो रात ना समझ के घर आ तो ताला लुआया है, ताला लुआया इन्हें ना चाड़ा ने सेट करवा रखी थी बात, रात ना इन्हें तो सोए पड़े ताला ला कर बगे, रात ना कह रहे ना से की गोली दवाई की तरह चड़कियाँ, तो उठे सवेरे ताला लग गया पाया, फिर नौ चते बुलाए, वो बड़ा जमाई बुलाया, उसकी माँ बुलाई, उन्हें आकर ताले तोड़े तोड़े हैं। अच्छा। हाँ, ताला बाहर कर रखा है, 20 दिन के अंदर ही उसका उरा को देखा है, जंदर ये लील पड़ रहे हैं जी उरा को। अभी लड़की कहाँ है? पासपोर्ट पड़ी। हाँ जी, तो उसकी माता कहाँ है लड़की की? माता वो गई है जी, बयान वाले क्या बोल रहे हैं? पिता भी है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वो बेचारा बेचारा टांगते चलते दोस्त वाले वो आए हैं, वो खड़े होंगे, मन दिखा हुआ होंगे, कोठा थाने में गए, जद भी गिल्ला गए पीछे पीछे सारे टोली जाए, जब हम बात करी थाने आ जाएंगे, जद भी है छपेरा घूम गए, मारे भी सारे बात कर रहे हैं, नहीं पता कौन है कौन नहीं, मानो कोई पता नहीं, अभी पुलिस वाला तो ये कह रहे पासपोर्टम के बाद ही बता सके। लड़की का भाई भी है कोई? ये है जी, सगा भाई है। हाँ जी सगा। अच्छा। मैंने देखे जी डेट। क्या नाम है आपका? विजय नाम है जी। विजय, पूरी पूरी बात बताओ, क्या हुआ था, कब लड़की यहाँ आई थी?
ये जी नंबर में आई थी जी, इस तरह मान लिया बगा के ले गया था जी लड़का इसको जी। ठीक है जी, तो उसके बाद जी हमारे पास अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया। अच्छा, सिंगल भी फ़ोन नहीं है जी अभी तक भी। अब जी मरने के बाद लग भी जी मर लो, इसने सीधा एक भी फ़ोन नहीं करा। फोन किसका है? फोन जी मेरी जो मतलब सिस्टर बह रखी नोच, मतलब जो मेरी बड़ी सिस्टर है। उसको कैसे पता लग गया? उसने जी इन ना किसी ने पता नहीं किन्ना फ़ोन करा जी, मामसर वगैरह इन्हें फ़ोन करे हुआ जी। तो आप लोगों की तरफ से क्या कार्रवाई करी हुई है? अब कोई कार्रवाई नहीं जी, हम तो आए हैं जी नुगा जी, पासमार्टम के बाद देखेंगे जी जो होगा जी। हम अपनी लड़की को जी रेफर करना चाहते थे जी अपने कैथल सिविल हॉस्पिटल में, प्रवास के लिए भी जी कह रहे पुलिस पुलिस के हाथों कर दिया हमने तो। यहाँ पोस्टमार्टम हो जाएगा? अभी नहीं हुआ जी, अब कह रहे हैं जी करेंगे। बाकी हम कैथल लेके जाना चाहते।